आएगी हमारी शिवसेना की उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की ही सत्ता आएगी। गुवाहाटीला गेला आमचंच खाल्लं, उद्धव साहेबांचं खाल्लं आणि तो गद्दार निघाला। लोकशाही का खून किया गया है। क्यों गलती किया ऐसा मालूम नहीं, अगर अध्यक्ष बहुत बड़ी पोस्ट है, कोर्ट ने बोला था अध्यक्ष को कि ये चौखट है इसमें निर्णय दो, फटक करके देना मांगता था वो नहीं दिया, इसके लिए अध्यक्ष का इतना अपमान हो गया। बाप रे, जूते से मारा, मैयत निकाला, सत्ता आवे न आवे लाएगा तो हम खेच की। अरे ये लोग हिंदू है क्या? हनुमान 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 क्या किया, हनुमान भट्ट भड़क गया और जो गधा है वो इनके सर में डाल दिया। गद्दार गद्दार ही रहेंगे वो, और स्टैम्प उनके ऊपर लगी गए ले अभी मोहरा। लेकिन झुकेंगे नहीं। चोर है वो, अपने ही घर में चोरी करके भागा है, बिल में बैठा है, वो ज्यादा देर तक उधर बैठ नहीं सकता, उसकी औकात दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सिंह, इस वक्त हम वर्ली में उपस्थित हैं। बताते चले, आज वर्ली में शिवसेना यूबीटी द्वारा महापत्रकार परिषद आयोजित की गई थी। इस पत्रकार परिषद के द्वारा जनता न्यायालय भी लगाया गया है और इस जनता न्यायालय के माध्यम से कई सारे ऐसे दस्तावेज दिखाए गए हैं जिससे अब महाराष्ट्र की जनता को पता चल सके कि आखिरकार किस आधार पर ये निर्णय शिवसेना यूबीटी द्वारा गलत बताया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बताते चले कि जब 2013 में जो शिवसेना पक्ष प्रमुख के तौर पर उद्धव ठाकरे की नियुक्ति हुई थी तो उस समय कैसे कैसे लोगों ने सहमति जताई थी और आधार पर उन्हें पक्ष प्रमुख नियुक्त किया गया था। बताते चले, इस पत्रकार परिषद में उद्धव ठाकरे ने खुली चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि सत्ता हम दोबारा लेकर आएंगे, हम सत्ता लोभी नहीं है, लेकिन इन्हें सबक सिखाने के लिए हम सत्ता दोबारा लेकर आएंगे। आइए सुनते हैं इस पूरे विषय पर पूर्व विधायक का क्या कुछ कहना है, साथ ही शिव सैनिकों का क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो स्पीकर का निर्णय आया है और इलेक्शन कमीशन का निर्णय आया है उसके प्रति आज पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी? जो मेरा समझ है, मैं 10 साल एमएलए था, अध्यक्ष का कभी कोई अपमान नहीं करते, और जब कोर्ट ने बोला था अध्यक्ष को कि ये चौखट है इसमें निर्णय दो, फटक करके देना मांगता था वो नहीं दिया, इसके लिए अध्यक्ष का इतना अपमान हो गया। बाप रे, हमने तो जिंदगी में ऐसा नहीं देखा था कि इतना अध्यक्ष का अपमान हो सकता है। जूते से मारा, मैयत निकाला, बहुत खराब हो गया। क्यों गलती किया ऐसा मालूम नहीं, मगर अध्यक्ष ये बहुत बड़ी पोस्ट है और ऐसा काम करना, गलत काम करना ठीक नहीं। चेतावनी क्या देंगे आप? चेतावनी क्या देंगे, वो जनता उनको, वो अभी खड़ा रहने वाले लोकसभा में देखो क्या होता है उसका। सत्ता आएगी आपकी दोबारा, क्योंकि ईडी उनके पास, इलेक्शन कमीशन उनके पास, सारे जो ऐसे घटक हैं। सत्ता नहीं आएगी इसका मतलब कोई कुछ भी बर्दाश्त करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। सत्ता आवे न आवे लाएगा तो हम खेच की, और नहीं भी आवे समझो सत्ता, तो किस किसका मतलब क्या होता है? इंसानियत नहीं बननी चाहिए ऐसा नहीं। देखो बीजेपी क्या राज चलाती है वो सब दुनिया जानती है, मैं बोलने की जरूरत नहीं, और आज ऐसा नहीं चलता, राज चलता है विश्वास से। 2024 में तो हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा है, राम मंदिर का। ये लोग हिंदू है क्या? देखो हिंदू किसको बोलता है, दिल में भगवान चाहिए, प्रदर्शन करके नहीं। उधर वो एक प्रदेश में हनुमान 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 किया, हनुमान भट्ट भड़क गया और जो गधा है वो इनके सर में डाल दिया। प्रभा देवी से उद्धव ठाकरे को सुनने के बाद आज कैसा लगा, जिस तरीके से जो निर्णय सुनाया गया है, शिवसेना अब उद्धव ठाकरे की नहीं हो के बताया गया है कि ठीक तरीके से वो शिंदे की है, तो कैसा लगा? उद्धव साहब की है शिवसेना, तो साहब मनापासून आहेत ते आमच्या, गरिबांसाठी गरिबांसाठी। काय सांगणार तुम्ही शिंदेला? काय नाही, तो गद्दार आहे, तो गद्दार आहे, खाऊन चोर आहे, चोर माजलाय तो। गुवाहाटीला गेला आमचंच खाल्लं, उद्धव साहेबांचं खाल्लं आणि तो गद्दार निघाला, ज्या ताटात खाल्लं त्या ताटात, आमच्याच ताटात करकटे टाकून गेले, आमच्याच ताटामध्ये खाल्लं आणि आमच्याच ताटातलं करकट येऊन गेले। जो निर्णय आया है उससे आप लोगों को क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? ये सब तो गलत ही किया है और गलत तरीके से निकाल दिया है, बस सत्य उद्धव साहेब के पास है। सत्ता उद्धव साहेब की आएगी दोबारा? हाँ दोबारा आएगी, दोबारा आएगी, और हम लोग लेके आएंगे, बस दिखा देंगे, दिखा ही देंगे हम लोग।
हाँ। हमारी ताकत दिखा देंगे हम लोग के बारे में क्या बोलने का, अभी गद्दार गद्दार ही रहेंगे वो, और स्टैम्प उनके ऊपर लगी गए ले अभी मोहरा। लेकिन अभी जो निर्णय सुनाया गया है उसके विषय पर क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन और विधानसभा के स्पीकर? उन्होंने तो गलत निर्णय दे दिया ना, ये गलत है ना। लेकिन तो क्या कहेंगे उन लोगों को आप? उन लोगों को तो चोर बोलेगी मैं, चोर चोरी है सब। और दोबारा सत्ता आएगी, आएगी हमारी शिवसेना की, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की सत्ता आएगी, दिखा देंगी ताकत, दिखा देंगे हम ताकत उनके लिए। हारेंगे नहीं, नहीं हारेंगे भी नहीं, करतेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, उनके पास करतेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। पत्रकार परिषद आयोजित किया गया था, इसमें आप लोगों ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को सुना और उन्होंने एक बार चेतावनी दी है कि इस बार जो चुनाव लगेगा तो हम दिखा देंगे दोबारा सत्ता लाएंगे, क्या कहेंगे? जरूर लाएंगे, जरूर हम उद्धव जी के साथ है, आखिर तक रहेंगे, और सत्य की लड़ाई है, सत्य हमेशा जीतता है, हमारी सत्ता वापस आएगी। शिंदे को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से? शिंदे चोर है, वो अपने ही घर में चोरी करके भागा है, बिल में बैठा है, वो ज्यादा देर तक उधर उधर बैठ नहीं सकता, लोग उधर छेद किया, लोग ही नीचे खींचेंगे, उधर छेद लोग नीचे खींचेंगे, नीचे खींचेंगे, उसकी औकात दिखाएंगे, दोबारा सत्ता आएगी, दोबारा उद्धव जी की सत्ता आएगी, हम लोग की शिवसेना ही आएगी, सत्ता हमारी जरूर आएगी, हम सत्यवादी है, सत्य के राह पे चलने वाले हैं, तो हमारी सत्ता रहेगा, किसका भी नहीं है, हमारा ही रहेगा। लेकिन अभी तो सत्ता उनकी बन गई है मुख्यमंत्री पद पर, तो वो चीटिंग है, चीटिंग है, उनके पद में आ गया है, बनाया है ईडी, सब कुछ उनके पास है। ये निर्णय है ना संविधान के विरोध में लगाया गया है, इसके लिए ये पूरा सब है, लोकशाही का खून किया गया है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने आज जनता दरबार रखा था, लोगों तक ये बात समझनी चाहिए। शिंदे बैठा है ना, वो क्या बोलते हैं, ये भाजप का छोड़ा हुआ पिल्लो है, वो भाजप जैसा बोलेगा वैसा काम करने वाला है। तो क्या चेतावनी देंगी, सत्ता आएगी दोबारा आपकी? जरूर आए, जनते के दरबार में ये लोग ने आप भी इलेक्शन लेना चाहिए, जनता भी भड़की हुई है, उनको भी गुस्सा आया हुआ है, ये लोगों ने तुरंत इलेक्शन लेना चाहिए, फिर आप देखो क्या परिणाम होता है, तो वो जनता ही अभी तय करेगी। हम लोगों का अभी इलेक्शन आयोग पे भरोसा नहीं है, ये लोग ने जा खरीद सब जगह, वो बोलते हैं ना खरीदा है सबको, ये इनके चेतावनी दे दी है, सत्ता आएगी, सत्ता आएगी, इनका ये आएगी सत्ता, हमारा ही आएगी सत्ता, हमारी जरूर आएगी, हम उद्धव जी के साथ हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं कि मराठी हिंदू ये नहीं, सब समाज को अभी तकलीफ हो गया है कि आज उद्धव साहब को धोखा दिया, उनके ही थाली में खा के उनके ही थाली का छेद किए लाए, क्यों आज जो रास्ते पे बैठने वाला इंसान को उठा के बाला साहब ने इतने बड़े बनाए, उनके बाद उनको रास्ता दिखाया, इतना बड़ा बनाने के बाद आज उद्धव साहब को धोखा दे के चले गए गुवाहाटी जाके, अपना यहाँ बम्बई में महाराष्ट्र में उनको कुछ कर नहीं सकते थे, इसके वास्ते उन्होंने गुवाहाटी जाके चोरी की, वो भगवान उनको जरूर फल देगा। लेकिन हमने कभी फायदा नहीं देखा, हम कभी बड़ा आगे कुछ मिले हमको इसके वास्ते नहीं, लेकिन जिसको आज रास्ते में से उठा के बड़ा बनाया वही लोग ने आज धोखा दिया, हमारे जो छोटे छोटे आज हमारे रिक्शा चलाता था आज शिवसैनिक हो गए, बन गए शिवसैनिक, शिवसैनिक ए बाला साहेब के वास्ते उद्धव साहेब के वास्ते मर रहे, लेकिन जिनको बड़ा बनाया वो उनको छोड़ के चले गए, ये बहुत दुख हो रहा है। इसके वास्ते आगे के चुनाव में हम सब महिला आघाड़ी ऐसा दिखाएंगे, काम करेंगे और उद्धव साहेब को वापस चुन के लाएंगे, उनका चिन्ह देने के वास्ते सुप्रीम कोर्ट में जा रहे, वो भगवान को वैसा मिले ऐसा हम लोग माँ भवानी माँ के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरीके से निर्णय जो लिया गया है स्पीकर द्वारा या इलेक्शन कमीशन द्वारा उसे गलत ठहराया जा रहा है? बिल्कुल असंवैधानिक विचारधारा के तहत उन्होंने अपना निर्णय लिया है और एक तरफा निर्णय लिया है। जो जनता के दरबार में आज पत्रकार परिषद महामहिम उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जो ली है, उनकी पूरी महाराष्ट्र की जनता उनको साथ दे रही है, इसके ने इसके पहले भी उनको साथ में रही है और इसके आगे चल के भी उनको साथ देने वाली है जनता, क्योंकि बार बार इन्होंने संविधान को झुटकारा है, सुप्रीम कोर्ट के जवाब के बावजूद सवाल के बावजूद उन्होंने भी उनका आदेश का पालन नहीं किया, उसका उन्होंने उल्लंघन किया है,
ये अपने ईडी सीजी सब बता को लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और हिंदुत्व का नारा कर रहे हैं, जबकि 95% के ऊपर लोग जो है 98 मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम बिल्कुल विवाद नहीं है, सब लोग गोविंद प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं और आज के तारीख में देश को मोहब्बत की ज़रूरत है ना नफरत की। ये बीज बो रहे हैं, राम राम सबके दिल में बसा है, रहीम भी सबके दिल में बसा है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारों को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, इसलिए देश अंधकार में जा रहा है। रोजगार के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, आज बच्चा हर लड़का ग्रेजुएशन होकर फाइल लेके घूम रहा है, हमको नौकरी की जरूरत चाहिए, और क्योंकि जनमत इनके विरोध में है और महाराष्ट्र की जनता पढ़े लिखे तबका है, ये सब इनकी झूठ मूठ की बातों पे एक भयका में आने वाली